किशोरावस्था की ओर, किशोरावस्था की ओर, किशोरावस्था की ओर। नमस्कार साथियों, ऋतुएं सभी सुहानी लगती हैं। आइए ऋतुओं के बदलाव का आनंद लें। बदलाव तो प्रकृति का नियम है और यही नियम लागू होता है हमारे साथ भी। हमारे शरीर में भी तो बदलाव होते रहते हैं। पतझड़ सब पात झड़े, बीत गया बचपन, कदम रखा किशोरावस्था की ओर, शरीर में आए बदलाव, जरूरतें बदली, सोच बदली, बदले मनोभाव। आया पतझड़ सब पात झड़े, पात झड़े, पात झड़े। आया पतझड़ सब पात झड़े, नए पत्तों की वन बाट तके पतझड़ के बाद वृक्ष नए पत्तों के आगमन की तैयारी करता है, उसी तरह किशोरावस्था में हमारे शरीर में भी बदलाव आते रहते हैं। बसंत के खुशनुमा मौसम की तरह आरंभ होती है किशोरावस्था, जो लगभग 11 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। शारीरिक बदलावों के साथ शुरू होती है हमारी जिज्ञासाएं, खुद को जानने और समझने की। ऋतु बसंत की आई रे, ऋतुएं सभी सुहानी लगती हैं। सब और खुशी के साज सजे, घुमट चिचक ना चच सकी, ताते ताते कुकु जाना ना 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 ना, कुकु जाने कुकु जाने कुकु जाना ना 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 ना
साज सजे सब और खुशी के, साज सजे ऋतु बसंत की आई रे, ऋतु बसंत की आई रे। मर मर निज निज परम अपम गा मग मगर सा सब और खुशी के, साज सजे सब और खुशी के, साज सजे सब और खुशी के, साज सजे ऋतु बसंत की आई रे, ऋतु बसंत की आई रे। छाया बसंत चहुओ, छाया बसंत चहुओ, छाया। किशोरावस्था में हमारे मन में बहुत से सवाल उठते हैं। इस अवस्था की जिज्ञासाएं, समस्याएं और चुनौतियों के बारे में बच्चे क्या कहते हैं, आइए जानें। हम ना बच्चे हैं ना बड़े हैं, तो हम है क्या। एक दिन अचानक मैं घबरा गई। अरे यह क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ, कौन मुझे समझाएगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि मेरा डेस्क पार्टनर एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हो। हाँ, मेरा भी यही मन करता है। मेरी आवाज़ बदल रही है, कैसे ठीक होगी, ये होगी भी या नहीं। मैं बार बार शीशे को देखती हूँ, पर ऐसा क्या करूँ जिससे मैं खूबसूरत दिखूँ। मुझे तो बर्गर पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, पर ना जाने क्यों मेरी मम्मी मुझे नहीं खाने देती। कभी कभार मेरे मन में भी ये ख्याल आता है, आखिर ये बच्चे पैदा कैसे होते हैं। मैं हमेशा शीशे में देखता हूँ और यह देखता हूँ कि मेरे यहाँ थोड़े थोड़े बाल आने लगे हैं, ऐसा क्यों। जब भी हमें मेंस्ट्रुएशन होता है तब हमारी मम्मा हमें खेलने से क्यों रोकती है। जब से मेरी छोटी बहन मेरे घर में पैदा हुई है तब से सब मेरी मम्मी को डांटते हैं, इसमें मेरी मम्मी का क्या कसूर। आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते होंगे और इन प्रश्नों का आपके मन में उठना बहुत स्वाभाविक है। ये चुनौती भरी अवस्था है, लेकिन इस अवस्था का निसंकोच और भयमुक्त होकर सामना करना है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, माता पिता और बड़े आपके साथ हैं, जिनकी मदद इस अवस्था के सफर को आनंदमय बना सकेगी। आइए जानते हैं शिक्षक इस बारे में क्या कहते हैं। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा जो बदलाव होता है शारीरिक बदलाव के अलावा, वो व्यवहार में होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं इस एज में ना तो बड़े होते हैं और ना ही वो छोटे होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो अपने पेरेंट्स की बात भी जो वो समझ नहीं पाते हैं, और इस वजह से वो पेरेंट्स की हर बात को मानते नहीं हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी कभी उनको टीचर्स की बात भी पसंद नहीं आती है। तो हमें इस एज में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, विनम्रता के साथ उनको हैंडल करना पड़ता है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम क्लास में डिस्कशन करते हैं, बॉयज़ भी हैं क्लास में, गर्ल्स भी हैं, तो वी हैव अ कॉमन डिस्कशन जिसमें बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स को गर्ल्स की प्रॉब्लम ही शेयर करें या बॉयज़ के साथ बॉयज़ की। सबको पता होना चाहिए कि इस एज में गर्ल्स के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं और बॉयज़ के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वी हैव अ कॉमन डिस्कशन। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, वो होता है कि आज की डेट में बच्चा ओपन है पूरा टू एक्सप्लोर द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से, टेलीविज़न, इंटरनेट से, उसे वो सब कुछ जानने को मिल जाता है जो एक्चुअल में वो समझ नहीं पाता, बट वीडियोस देख लेता है, कहीं से बुक्स पढ़ लेता है, और जब टीचर उसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता है, दे आर नॉट सो ओपन टू एक्सेप्ट व्हाट द टीचर इज़ टीचिंग या उनके सिलेबस में है, क्योंकि उससे बियॉन्ड जाकर भी वो नेट से सर्च कर लेते हैं, तो ये उनका बहुत एक मेजर इशू होता है। दूसरी चीज़ होती है कि एडोलेसेंट में, एज में बच्चे अपने फिजिक को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे गर्ल्स दे गो ऑन डाइटिंग, वो खाना नहीं खाती, बैलेंस डाइट जो होना चाहिए, बिकॉज दे आर मोर
focused about their figure and the oily skin, the pimples they are having, तो वो उनके लिए बड़ा major concern होता है, बजाय इसके कि वो academics पे focus करें या अपनी एक balanced diet, healthy life के ऊपर focus करें। किशोरावस्था बरसात के मौसम की तरह एक आनंदमय अवस्था भी है। आपने यह महसूस जरूर किया होगा। गगन भे उमड़ घुमड़ कर आए बदरा कारे बिजली चम धन 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 वर्षा वर्षे दिग 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 जानते हैं कि किशोरावस्था में बच्चों को कई तरह की जिज्ञासाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस जरूरत है तो उन्हें समझने की और सही दिशा देने की। बहुत जरूरी है कि बच्चे अपनी जिज्ञासाओं और परेशानियों को बड़ों के साथ बेझिझक बांटें। इसी रूप में हम उनकी मदद कर सकेंगे।